हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड व्लॉग है। एक्चुअली हुआ क्या कि तब मेरा एक फ्रेंड आया, कहने लगा नहाने के लिए जाएंगे बोल के वाटरफॉल में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो सोचा अब जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक व्लॉग बनाए। तो इस सोच के मैं व्लॉग बनाने लगा। तो व्लॉग के लिए ऐसे कोई मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि आज क्या बोलूँगा या क्या करूँगा। कल जब मैं बना रहा था व्लॉग, तभी एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि मतलब क्या हुआ कि पिछले दिनों मैंने अपनी गाड़ी में मतलब ये डाला था, क्या चेन पॉकेट डाला था। तो पिछली बार क्या हुआ कि मतलब मैंने चेन पॉकेट डाली थी, तो चेन पॉकेट डालते समय ना मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। वीडियो में मतलब सब लोग बता रहे थे कि RS 200 का चेन पॉकेट डालने से पिकअप बढ़ेगा, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो मैं भी सोचा कि RS 200 का चेन पॉकेट डालूँ, बट क्या है कि बजाज में ना मेरा एक फ्रेंड काम करता है, तो मैंने उसे पूछा कि मतलब मैं ऑलरेडी न्यू चेन पॉकेट डाल ही रहा हूँ, तो क्यों ना RS के डालूँ, RS का बेटर रहेगा क्या, मैंने पूछा। तो कहने लगे कि नहीं, RS का अगर हम डालेंगे ना, RS की चेन लंबी होती है बोलता है, तो वो लंबी चेन की वजह से ना पॉकेट चेन पॉकेट ना जल्दी ख़राब होती है। तो कहने लगा कि तू NS का ही डाल, भले पिकअप थोड़ा कम आए बट NS का ही डाल बोला, क्योंकि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ना। तो मैं उसका सुन के मतलब मैंने NS का ही परचेस किया। कुछ 2000 रुपीस मुझे पड़ा और बटाने का 250 रुपीस पड़ा। एक्चुअली क्या है कि NS का जो चेन होता है ना, उसमें लॉक वॉक नहीं होता है। आपको चेन को बिठाने के लिए ना पूरे मतलब नीचे का स्विंग आर्म पूरा काटना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये डिसएडवांटेज है। बट लॉक नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि चेन ना टूटती नहीं है इजीली। अभी जैसे कि हम लोग NS का है, NS हो या RS या AS, तीनों की ऑलमोस्ट स्पीड उतनी ही है, बस 10-15 का ही फ़र्क होता है। तो क्या होता है हाई स्पीड में 120-130 के स्पीड में जब हम जाएंगे, इनकेस वो लॉक ख़राब रहा, लॉक घिसा हुआ रहा और लॉक टूटा, तो मतलब प्रॉब्लम होगा ना, आपकी कास्टिंग वास्टिंग सब टूटेगी अगर लॉक रहा। तो विदाउट लॉक रहेगा तो बेटर रहेगा। तो ये एक एडवांटेज था। तो मैंने NS की चेन पॉकेट डाली। एक्चुअली NS की AS को सेम आती है, दोनों की सेम ही है ऑलमोस्ट। AS NS में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये फेयरिंग का फ़र्क है, ये बस थोड़ा सा बड़ा है। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है ना, जब मैं AS चलाता हूँ, इससे पहले भी उस हैंडल में भी, इसके ओरिजिनल हैंडल में भी, बट AS मुझे ऐसे लगता है कि ज़मीन को पकड़ के चलती है। इवन ये जो पार्ट है ना, जब मैं लॉन्ग राइड्स वगैरह करता हूँ, तो उतना मतलब विंड ब्लास्ट उतना नहीं रहता, ये जो है ना एयर को कट करता है, तो मतलब विंड ब्लास्ट उतना मुझे नहीं होता, क्योंकि NS कंप्लीट नेकेड बाइक होती है ना, तो उसमें विंड ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये एक NS का ड्रॉबैक है। बट एज़ कम्पेयर टू AS, मुझे लगता है AS बेटर है NS से। बट कुछ लोगों को NS पसंद है। हाँ, NS अच्छी है, मतलब हैंडलिंग में ना एकदम लाइट लगती है। जब मैं AS चला के NS पे जाता हूँ ना, तो मतलब NS मुझे एकदम इजी लगता है चलाने के लिए, हैंडल वैंडल सब हल्का लगता है उसका। बट AS में क्या है, ये जो सामने का डूम बड़ा है ना, तो इसकी वजह से हैवी पड़ता है, तो वो हैवीनेस की वजह से मतलब लॉन्ग टर्न वर्न मारने के टाइम पे ना आपको लंबा टर्न लेना पड़ता है, मतलब शॉर्ट एरिया में बाइक टर्न नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है। बट लॉन्ग राइड्स के लिए मुझे ये बाइक NS से ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है। मैं नेक्स्ट सोच रहा था कि मतलब मैंने मेरी बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। तो AS के साथ में मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं बताऊंगा आपको, देखूंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने के लिए। इस पर एक वीडियो बना के AS के बारे में रिव्यू दूंगा, इसके साथ में एक्सपीरियंस कैसे रहा, मुझे क्या क्या अब तक खर्चा आया है और मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, सब पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक चीज़ मुझे अपडेट करनी थी कि इस पॉकेट के बारे में। कल मैं जब राइड कर रहा था ना, कल जब मैं व्लॉग बना रहा था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मतलब घर आने के बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैं सोचा कि मतलब बहुत लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन होगा, तो इसका एक ड्रॉबैक क्या रहेगा, इस पर भी एक बता दो। क्योंकि मैंने अब तक लोगों को बस देखा है कि RS का पॉकेट सब लोग डाल रहे हैं, बट उसका ड्रॉबैक क्या है, क्या है, डालना है या नहीं भी डालना है, तो उसके बारे में किसी ने नहीं बताया था, तो सोचा कि वो एक बता दूँ।